अभी आज साल का आखिरी दिन है और कई सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि पूरे साल आपने मुझे मुस्कुराने में मदद की, या फिर लोग ऐसे कहते हैं कि कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ गलत किया हो मैंने आपके साथ, तो इस साल के जाते जाते उसको माफ़ करो। अरे भाई, साल जा रहा है, नया जन्म नहीं हो रहा है। जो खुराफाती है उसको खुराफाती ही रहना है, जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। लोगों को उनके नेचुरल फॉर्म में एक्सेप्ट करिए। लाइफ तो चलती जाएगी, साल निकलते जाएंगे, आप मत बदले। जो आपको प्यार करता है वो आपको आपके वास्तविक स्वरूप में ही प्यार करेगा और हमेशा करेगा। उसके लिए जाते साल और आते साल की कोई वैल्यू नहीं है। सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। सक्सेना, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 1 जनवरी सन 2022 को आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हम बीते वर्ष की सबसे बड़ी सफलता देखें तो मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ और आप इसको देख पा रहे हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। 2022 में भी ये उपलब्धि कायम रहे और साथ ही साथ आज जो हम इतने सारे मैसेजेस भेजेंगे, व्हाट्सएप पे संदेश भेजेंगे, कॉल करके बधाइयां देंगे, कल से ये रियलिस्टिक फॉर्म में इम्प्लीमेंट हो ताकि हर दिन हर वर्ष का सबसे अच्छा दिन हो जाए। मैं और आप जहां भी जिस भी व्यक्ति से जैसे भी कनेक्ट करते हैं, कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी दूसरे की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, और यदि कोई व्यक्ति हमारे पास किसी भी तरीके की परेशानी को लेकर आए तो हम अपना भरसक प्रयास करें कि उसे उस परेशानी से निकाल दें। अगर अपन ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है जिंदगी एक बेहतर तरीके से हर दिन नव वर्ष के फॉर्म में उभर के आएगी। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। कल क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, किसी को कोई ना पता है, ना ये आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में है वो है आपका अपना आज, आपके अपने काम। तो खुद के रियल मी को, अपने पोटेंशियल को जी भर के निखार लीजिए, उभार लीजिए और अपना आज जी लीजिए। कल क्या होगा किसने जाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।